गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लोकेशन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की लोकेशन या अवस्थिति के बारे में देखते हैं हम। द गोल्जी एपरेटस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। गोल्जी एपरेटस सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। द गोल्जी एपरेटस इज स्पेशली एक्सटेंसिव इन सिक्रेटरी सेल्स, और ये सिक्रेटरी सेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज एब्सेंट इन फ्यू सेल टाइप्स सच एज मेमेलियन आरबीसीज, स्पर्म सेल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड सी ट्यूब्स ऑफ प्लांट। ये मेमेलियन आरबीसीज में, स्पर्म सेल्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और सीव ट्यूब्स में, जो प्लांट्स की सीव ट्यूब्स होती हैं उनमें एब्सेंट होते हैं। अ सेल मे हैव वन लार्ज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और सेवरल वेरी स्मॉल वंस। किसी भी सेल में या तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर छोटे कॉम्प्लेक्स होते हैं। इट ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में इनकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। इट मींस सेल के स्ट्रक्चर पर और सेल्स के फंक्शंस पर, उसकी आइडेंटिटी पर इनकी स्ट्रक्चर डिपेंड करती है। इन सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स इट इज यूजुअली लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस। जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिनसे सिक्रीशन होता है, और जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं उनमें ये न्यूक्लियस के पास होते हैं। द इनवर्टिब्रेट एंड प्लांट सेल यूजुअली हैव सेवरल स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिक्टियोसोम। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं या प्लांट सेल होते हैं उनमें छोटे छोटे गोल्जी कॉम्प्लेक्सेज होते हैं जो डिक्टियोसोम कहलाते हैं। दीज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये डिक्टियोसोम हैं, ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इनमें हम देखते हैं तो इनकी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो आकारिक प्रतिरूप में पाई जाती हैं। ये कहलाता है इसकी लोकलाइज फॉर्म, स्थानिक प्रतिरूप में केंद्रक के खुली एवं बाह्य कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होती हैं, जैसे बाह्य स्रावी अग्नाशयी कोशिकाओं में, आंत उपकला में, थायराइड ग्लैंड में। इसके अलावा दूसरा डिफ्यूज फॉर्म होती है जो इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, जिनमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता। ये दो से अधिक उप इकाइयों में विस्तृत प्रतिरूप में परस्पर जुड़ी हुई या बिखरी हुई होती हैं। और ये जो बताया था आपको डिक्टियोसोम, ये नाम 1958 में पर्नर साइंटिस्ट ने दिया था। इनका साइज, जैसा कि आपको बताया था, साइज डिफर करता है। ये जलीय शैवाल होता है, एल्गी होती है, कारा। इनमें राइजोडियल सेल्स में लगभग 25,000 डिक्टियोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक एल्गी जैसे माइक्रोमोनास में केवल एक डिक्टियोसोम पाया जाता है। पैरा अमीबा में दो बड़े गोल्जी कॉम्प्लेक्स व अमीबा स्टेरोमिक्स में अनेकों कॉम्प्लेक्स गोल्जी, ये अनेकों गोल्जी जटिल पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इट वेरीज इन साइज एंड फॉर्म इन डिफरेंट सेल टाइप्स बट यूजुअली हैज सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी वन काइंड ऑफ सेल। वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती हैं, लेकिन एक सेल में ये एक ही तरह की होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज इट एज अ सेंट्रल स्टॉक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका एक सेंट्रल स्टॉक या पाइल दिखाई देता है ऑफ पैरेलल फ्लैटेंड इंटरकम्युनिकेटिंग सैक्स और सिस्टर्नी एंड मैनी पेरिफेरल ट्यूब्स एंड वेसाइकल। यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करते हैं तो हमें एक स्टॉक और इसके पैरेलल में बहुत सारी फ्लैटेंड
इंटर कम्युनिकेटिंग सेक्स दिखाई देते हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और पेरीफेरी पर इनके ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स होती हैं। कंसिस्ट ऑफ फोर फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन, सिस फेज जिसको एंट्री फेज भी कहते हैं, मिडिल सिस्टर्ना, ट्रांस सिस्टर्ना एंड ट्रांस फेज। ट्रांस फेज मीन्स एग्जिट फेज कहलाता है। ईच रीजन कंटेन्स डिफरेंट एंजाइम्स विद सेलेक्टिवली मॉडिफाई द कंटेंट्स डिपेंडिंग ऑन वेयर दे रिसाइड। हर एक रीजन पर डिफरेंट एंजाइम होते हैं जो कि सेलेक्टिवली मॉडिफाई होते हैं डिफरेंट साइट के प्रति। अब हम इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन देखने पता चलता है कि मेडअप ऑफ 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, ये बनी हुई होती हैं। इनमें 60% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, वाइटामिन सी, इंजाइम्स लाइक एटीपेस, एडीपेस, थायामीन पाइरोफॉस्फेट, साइटोक्रोम सी रिडक्टेस, यूडीपी, एन एसिटाइल ग्लूकोज, एमाइन ट्रांसफरेस, गैलेक्टोज ट्रांसफरेस एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट। न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोसाइड्स आर एब्सेंट, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड नहीं होते। हम देखते हैं अब इनके फंक्शंस। हमने स्ट्रक्चर तो इनकी देख ली, अक्रेंस देख लिया, केमिकल कॉम्पोजिशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या कार्य करते हैं। तो इनके हम फंक्शन देखते हैं, तो नंबर वन है मॉडिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ सिंथेसाइज मटेरियल। मॉडिफिकेशन का काम और जो सिंथेसाइज मटेरियल है उसको रिलीज करने का काम भी करते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने ईआर के जो प्रोडक्ट्स थे उनको देखा कि गोल्जी काय के द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे से परिवर्तित करने, रूपांतरित करने एवं संग्रहित करने जैसे कार्यों से इनका संबंध स्थापित किया। इसके अनुसार ही इनमें कर्व डेवलप हो जाते हैं, और जो कर्व होते हैं इनमें सिस फेज और ट्रांस फेज जैसा कि पहले बताया था ये बन जाती हैं। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि ये गोल्जी की जो वेसाइकल्स होती हैं ये पदार्थों को मुक्त करती हैं और ये बडिंग द्वारा अलग हो जाती हैं। इस तरह से कुछ साइंटिस्ट और थे जिन्होंने बताया गैलेक्टोसोल ट्रांसफेस जो एंजाइम होता है जो ग्लाइकोलाइजेशन के लास्ट प्रोडक्ट है, लाइसोसोम में आए हुए एंजाइम भी गोल्जी काय के द्वारा रूपांतरित किए जाते हैं। प्रोटीन सिक्रीशन भी इनके द्वारा होता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। कोशिका विभाजन के समय डॉटर सेल्स के मध्य जो मेम्ब्रेन होती हैं उनके संलयन हेतु विसाइकल्स के रूप में गोल्जी से ही प्राप्त होती हैं। पादप कोशिकाओं पर हेमीसेलुलोस पेक्टिन की परत चढ़ाने हेतु जो सिक्रीटरी मटेरियल होता है वो भी इन्हीं अंगों से होकर आता है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती हैं। देन सेकेंड फंक्शन है सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसाइकल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज सिक्रीशन। ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं ने जैसे कि ईआर से संश्लेषित पदार्थ जो मुक्त किए जाते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं उसको ये बाहर निकालने का काम करती हैं। कुछ इनके जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं गॉब्लेट सेल्स, इसके अलावा परस्पायरेशन पसीना, प्लाज्मा कोशिकाओं से इम्यूनोग्लोबिन, नर्व सेल्स से तंत्रिका समूह का काम करती हैं, म्यूसिलेस का लसलसे पदार्थ जो कीटाहारी पादपों में होते हैं ड्रोसेरा वगैरह में उनका सिक्रीशन का काम करती हैं, स्लाइम गम वैक्स इनका सिक्रीशन करती हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स का करती हैं, अश्रु का करती हैं, लिवर सेल्स में
प्रोटीन्स का करती हैं, इसके अलावा सलाइवा सिक्रीशन का काम करती हैं। मींस मेन रोल देखा जाता है तो इनका सिक्रीशन ही होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रोटीन सिक्रीशन, कि प्रोटीन का सिक्रीशन भी करती हैं। जैसे ईआर से संलग्न राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। जैसे पेनक्रियाज की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट कर गोल्जी बॉडी में देती हैं, जो कि वितरण क्रिया में भाग लेते हैं। रक्त वाहिनी द्वारा लाए गए एमिनो अम्लों में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषित करते हैं, जो ईआर से सिस्टर्नी में प्रवेश कर जाते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन में बदल दिए जाते हैं। यह सल्फर के साथ रिएक्शन करके म्यूसिजेन कणिकाओं में बदल दिया जाता है और ये म्यूसिन कणिकाओं पर सिस्टर्नी कला का एक आवरण होता है। ये कणिकाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बाहर साबित हो जाती हैं। देन रोल इन लिपिड सिक्रीशन, लिपिड के सिक्रीशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। गोल्जी को जो ईआर से लिपिड प्राप्त होते हैं, इनका सिक्रीशन का भी ये एक पैक के रूप में इनका कर लिया जाता है। ये जो वेसिकल्स होती हैं ये मेम्ब्रेन से संगलित होकर बाहर साफ भेज देती हैं। ये ग्लाइकोलिपिड्स का संश्लेषण भी करती हैं। लिपिड्स ग्लाइकोशीकरण द्वारा ग्लाइकोलिपिड्स में रूपांतरित कर दिए जाते हैं और ये जो प्रोसेस है इसमें एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है वो होता है ट्रांसफ्रेस एंजाइम। देन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन अंत जो ईआर में लाया जाता है, जहाँ मैनोज एन एसाइटल ग्लूकोज की अमीन चेन जुड़ी हुई होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये गोल्जी की सिस्टर्नी में लाए जाते हैं। यहाँ ग्लूकोज, फ्यूकोज, सीलियक एसिड की और चेन जुड़ जाती हैं और इसे ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देती हैं, तो तब इनका सिंथेसिस हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन का। देन नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ स्पेशल कार्बोहाइड्रेट, ये स्पेशल कार्बोहाइड्रेट का भी सिंथेसिस करती हैं। गोल्जी बॉडी में जो विशेष शर्कराएं हैं जैसे गैलेक्टोज व सीलियक अम्ल के संश्लेषण में भी ये भाग लेती हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ रेटिनल पिगमेंट, जो रेटिना में पिगमेंट होता है उसका सिंथेसिस भी करती हैं। बीम्स एंड केसल ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोलैबोरेशन से 1968 में पाया कि जो चिक होता है उसके एम्ब्रियो में जो रेटिनल पिगमेंट है वो गोल्जी के अंदर ही सिंथेसिस किया जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर क्रिस्टल्स, पाइला की जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें क्रिस्टल्स बनाने में संग्रहित करने की क्रिया का अध्ययन किया। ये लगभग 30 म्यू लंबे और 15 म्यू मोटे होते हैं और इनमें आयरन भी पाया जाता है। देन मिल्क प्रोटीन ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन, फीमेल रैट्स में इनके जो होते हैं मिल्क में प्रोटीन ड्रॉपलेट्स सिक्रीट किए जाते हैं जो गोल्जी से प्राप्त होते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स के रूप में कोशिका सतह पर मुक्त कर दिए जाते हैं जहां ये मिल्क के साथ मिल जाते हैं। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड्स, कुछ साइंटिस्ट के अनुसार आयरन और शुगर वाला जो फूड हम लेते हैं प्राणियों को दिया जाता है, दिए जाने पर गोल्जी बॉडी में आयरन अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार कॉपर, ऑरम, सिल्वर का भी एब्जॉर्शन होता है और ये लिपिड्स के एब्जॉर्शन में हेल्पफुल होती हैं। देन सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, बोवेन साइंटिस्ट ने बताया कि इनमें बहुत सारे अंत्यकोशिकीय एंजाइम जैसे जाइमोजन सिक्रीट किया जाता है। ये सिक्रीटरी वेसिकल के रूप में मुक्त होते हैं। काउडरी के
अनुसार थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी हार्मोन सेवन में हेल्प करती हैं। द नेक्स्ट स्टोरेज एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। गोल्जी बॉडी में प्रोटीन व वसा युक्त वेसिकल्स होती हैं जहां इनका कलेक्शन किया जाता है। इनमें से कुछ को आणविक संसाधन करने के उपरांत स्थलों पर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी करती हैं। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार प्राथमिक प्रकार के लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी वेसिकल्स द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट एक्रोसोम फॉर्मेशन। जो स्पर्म में एक्रोसोम वाला भाग होता है ये गोल्जी से ही बनता है। बर्गस और फॉसेट ने कैट के स्पर्मेटोजेनेसिस में डीपली स्टडी किया था और ये बताया था। देन वाइटैलोजेनेसिस। अंड कोशिकाओं में जो पीतक होता है, योक होता है, गोल्जी ऑपरेटस के चारों ओर ही एकत्रित किया जाता है और यहीं पर पीतक का संश्लेषण या योक का संश्लेषण भी होता है। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्पफुल होते हैं। इनमें अनेक वसाएं संश्लेषित की जाती हैं। ये कार्य ER के द्वारा ज़्यादा किया जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पादपों में कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट विभाजनशील कोशिका के मध्य गोल्जी काय से निर्मित आशयों से बनती है। देन टॉक्सिन्स। टू एक्सपेल टॉक्सिन्स फ्रॉम बॉडी। सिलेंट्रेट में जो दंश कोशिकाएं होती हैं तथा कुछ पादपों के दंश रोम में उपस्थित जो टॉक्सिन्स होते हैं ये गोल्जी द्वारा ही एक्सपेल किए जाते हैं। देन सल्फेशन। ऐसे बहुत सारे प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि गोल्जी सल्फर उपापचय में भाग लेता है और रेडियोधर्मी का उपयोग भी इनसे सुनिश्चित किया गया है। अब हम देखते हैं ओरिजन, कि गोल्जी का ओरिजन क्या है। मेथड ऑफ ओरिजन ऑफ गोल्जी अपरेटस इज डी नीवो फॉर्मेशन। ये डी नीवो फॉर्मेशन है। इंडिविजुअल स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी में अराइज एंड प्री एग्जिस्टिंग स्टैक बाय डिवीजन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। जो इंडिविजुअल स्टैक है सिस्टर्नी के ये अराइज हो जाते हैं और प्री एग्जिस्टिंग स्टैक है इनसे डिवीजन द्वारा फ्रेगमेंटेशन होता है। मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी अपरेटस ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मेम्ब्रेन है गोल्जी अपरेटस की ये ओरिजिनेट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से। सेल ऑफ डॉर्मेंट सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स जनरली लैक गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो डॉर्मेंट सीड्स होते हैं, जो सुषुप्ता अवस्था में होते हैं हायर प्लांट के सीड, उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो इस तरीके से आज हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।